वालेकुम सलाम मियां, क्या खस्ता हालत बना रखी है आपने इस इमाम बारगाह की। पुरखों की यह मलकियत अब आपसे संभाली नहीं जा रही है। बेहतर यही होगा कि आप इसे हमारे हवाले कर दें। यह हमारी दिली ख्वाहिश है और इस इमाम बारगाह के एवज में हम आपको वजबुल अदा हदिया पेश करना चाहते हैं ताकि हमारे लिए जायज हो सके। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरा यह मुख्तसर सा नजराना कबूल करें। आपके जज्बात की कद्र है मुझे, पर अफसोस मैं इमाम बरगाह आपको फरोख्त नहीं कर सकता। पहले नजराने की रकम तो सुननी होती जनाब। 5 करोड़ की रकम कोई कम नहीं होती। और आगे आपके आशियाने की बात तो इस शहर में जिस भी मकान पे आपकी नजर ठहर जाए वो आपका। आपने हमारे लिए जो सोचा उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं फिर से अपने वही लफ्ज दोहराऊंगा, मुझे आपका नजराना कबूल नहीं। या अल्लाह, हम तो आए थे तेरे दीन की खिदमत के लिए मगर ये इसे मंजूर नहीं। मियां साहब, इस इमाम बारगाह से आपकी मिल्कियत तो जाना ही वाली है। अब आपको फैसला ये करना है कि 5 करोड़ चाहिए या 5 गोलियां। आप जुल्मो सितम से ये पाक दरगाह हासिल नहीं कर सकते। आप हमें मजबूर कर रहे हैं मियां। तो ठीक है, जो आप मुनासिब समझे। करोड़ इनके जनाजे पे खर्च कर देना ताकि देखने वालों को पता चले किसी रईस से पाला पड़ा था। यहां साइन करो। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें नई पोस्टिंग की। थैंक यू सर। सच्चाई और ईमानदारी से काम करना। जी सर। जाओ चेक पोस्ट संभालो। जी। काशी भाई जी, का बात है? गाड़ी काहे रुकला है? चेक पोस्ट पे गाड़ी काहे रुकेला? चेक करावो गाड़ी। हमार गाड़ी चेक हुई? हाँ, दिखावा। कहा गाड़ी? जानवर जबा करे बदे जाता, तोरा का मतलब बा? कागज दिखावा। हमनी के काम बिना कागज पत्र के होला। अच्छा, ए, ले जा चलान कटवाओ। चलान? बहुत डेंजर आदमी है। अबे डरात काहे बा? ले जो चलान कटवा, हम 4G रिचार्ज करवा गया होतन। चला। देखा तही के हमार चलान करवावेला। अली भाई। अरे भाई, भाई यहाँ कैसे?
तुहार दुनू सिपाही हमार गाड़ी के चालान काटे खातिर बोलले बा। भाई उ नया ज्वाइनिंग है, आज ड्यूटी ज्वाइन कइले बा, हम समझा देब ओकरा के, रहुआ चिंता मत करी। ना ना, अब तक तोहरा चालान काटे ही के पड़ी। नायल बड़े का तो हिम्मत कैसे भइल हमार गाड़ी पकड़े के? गलती हो गई। चल चल माफी मांग। सॉरी। पैर पकड़ के माफी मांग। ए सोच मत, पैर पकड़ के माफी मांग। समझ में नहीं आया? माफी मांग। ए साहब की वर्दी छोड़। या तो ए चल एकर वर्दी छोड़ दे ले। अरे तोर वर्दी पकड़ ले ले। अरे नया ज्वाइनिंग बाव कर। बोल का करबे? वर्दी छोड़ के बात कर। ए ना छोड़ब तो का उखाड़ लेबे। देखबे वर्दी के पावर। चल दिखाओ दिखाओ। यादव पागल हो गए तुम? क्या कर रहे हो तुम? ड्यूटी कर रहा हूँ सर, ड्यूटी। मैं तुम्हें पता नहीं लोग कौन है? कोई भी हो। अरे वर्दी को हाथ नहीं लगाएगा कोई। अरे नौकरी जाएगी तुम्हारी। हर हौसला बुलंद हो, मरल जियल पसंद हो, तूफान खाती वर्दी में बात मन के बल से खून में आ जाए जो खून में हो तुम। छोड़ दे इसे। एक मिनट सर, माफी मांग। माफी मांग। आई एम सॉरी। माफी मांग। सॉरी। यह वर्दी हमारा स्वाभिमान है। हमारे स्वाभिमान पे दोबारा हाथ लगाने की जरूरत किया तो अब की बार तो सिर्फ मुताया है, अगली बार मारते मारते हगा देंगे। चल सिपाही रे। यादव क्यों कर रहे हो तुम ये सब? वो तुम्हें मार देंगे, जान से मार देंगे तुम्हें वो सिपाही रे। ओवरसेट नया नया रंग रूट रहे, ट्रांसफर होके आयल रहे नया नया, तोहरे बारे में जानत ना रहे, छोड़ देना चाहे तू। चुप एकदम चुप। एक लफ्ज़ ना एसपी, एक भी लफ्ज़ अगर निकल तो हर लफ्ज़ पे गोली चल जाए।
खून सवार हमरा कोपड़ी पर। खुदा कसम, खुदा कसम, अगर हमरे बीच में शासन प्रशासन आई तो पूरे प्रदेश में आग लग जाए। वो जवन वर्दी पहन के वदना सा सिपाही हमरे भाई के देह पे जवन जख्म देले बा, ओकर एक एक बूंद खून निकाल के उही के वर्दी पे हाथ पोछब। कारे का जरूरत रहल हो राक्षसन से दुश्मनी मोल लेवे के? अरे जेकरा सामने जानवर तक करू का पहला, ओकर सामने तोर कौन औकात रे? अरे माई तू कैसन बात करता, ई वर्दी हम काहे खातिर पहिनले बानी? गुंडा बदमाश के रोकई खातिर ना? पगला हो गइल बाड़ा तू। अरे जुग जमाना बदल गइल बा, हैं गुंडन का राज चलता। अरे तो गुंडन के राज ना चले यही खातिर वर्दी पहिनले बानी। वाह बेटा, भले तोर परिवार मुसीबत में फंस जा। हैं हमरे परिवार के क्यों आंख दिखाई, हमरे परिवार के तरफ क्यों आंख उठा के देखी, ओकर आंख निकाल ले। अच्छा केकर केकर आंख निकल बे, केकर केकर आंख निकल बे रहते हैं, सारे लोगों के साथ जाके खड़ा हो जाइए, तोरा संगे केहू ना आई। अच्छा खासा ड्यूटी करत रहले एसपी के, पुक्कू के तरह जो नहीं आई ना यमराज के मुंह में। अरे माई तू काहे ने खुश समझा? चुप, तोर मतारी है, हमरा के मत समझा। अरे समझा ना, पहले एसपी साहब के फोन लगावा, हमरा पक्का विश्वास बा कि पुलिस वाला के मदद जरूर करी। हाँ, फोन लगा। अरे लगाओ ना फोन एसपी के। जय हिंद सर। जय हिंद यादव, कहाँ बाड़ा तू? सर हम अपने घर पे बानी सर। सर ये सब कहा होता सर? यहाँ घर के लोग हमके डांटा था, वहाँ पुलिस वाला लोग हमके थाना से भागे कहा था, हमरा सामने क्यों हमरे ऑफिसर पे हाथ उठाई और हम देखी। यादव पुलिस डिपार्टमेंट के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त ना कर, जल्दी आ जाता। का कर लेना? अपने घरे बुला उतारे। अरे तो जाना जाना बेटा। अरे जो न रे, जय भगवान जी। अब इस पिसाब के यहाँ गए ना, कुल ठीक हो जाए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। मेरी कोई गलती नहीं है सर, मेरे सामने वो मेरे ऑफिसर पे हाथ उठा रहा था इसलिए मैंने उसको मारा सर, और फिर मेरे विभाग वाले मेरा साथ देने के बजाय मुझे भागने की सलाह दे रहे हैं सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। यादव तुमने जो किया है ना तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, उसके बाद भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब समझ जाओगे, बस दो मिनट वेट करो। तू लोग तो भरोसा कर हमरे ऊपर? यादव हमने के वहीं ड्यूटी पे बानी जा। साहब के आदेश से बढ़के कुछ नहीं की। हाथ ऊपर। यादव तोहार खेल खत्म। सर सर समझाई ना ये लोग के। ले जाओ इसे। सर सर हमारी बात सुनी सर, हम कोनो गलती नहीं की सर। अरे आप पुलिस वाला हो के वो पुलिस वाला के साथ देखी दे सर, आपको अपने सिपाही पे भरोसा नहीं सर, सर आप गुंडों का साथ दे रहे हैं सर, सर गलत कर रहे हैं आप। भैया वो यादव था ना? अमरपाली अब वो इनोसेंट कांस्टेबल यादव नहीं रहा, वो देशद्रोही टेररिस्टों से मिला हुआ है। पता नहीं भैया को क्या हो गया, जब तक यहाँ पे यादव रह के दिन रात जी हुजूरी कर रहा था तब तक बहुत सीधा आदमी था, और जैसे बाहर जाकर अपना काम करने लगा आतंकवादी बन गया। अब मिल गई हैं आप तो बस इतना कहूंगा कि इस प्यार को इज्जत मिले, कुछ ऐसा करूंगा। आई लव यू, आई लव यू टू।
बहुत गर्मी बना तोरे खून में है? कुल गर्मी आज मूत बन के निकली है? बबर सेठ, ये गो सिपाही के शरीर कितनो मरबे, खाली खून निकली, मुतेला तोरे जैसन मौगा ओह चार लाठी में। अरे मारे के, मारे के, तब तक मार जब तक ये मूत न दे। मार मुतबे थे, जरूर मुतबे, मूत। बब्बर सेठ, और मूत निकाले में तोरा सात पोस्ट के मूत बारी आ जाई। सिपाही से चले दास तुर खेलवे खत्म कर देता। नहीं ना 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 ना, बब्बर सेठ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट फंस जाई और साथ में तू लोग भी फंस जीबा। अब पार्टी के छवि खराब हुई तो न लग धोनी के हमेशा 24 घंटा पार्टी है, पार्टी का डर लगल बा। अरे बब्बर सेठ तू टेंशन मत ले, एकरा पर तो देशद्रोह का ऐसा इल्जाम लगवाइब ना कि सारा जिंदगी जेल में चक्की पीसी। तब एकरा के पता चली कि बब्बर सेठ से ना बब्बर शेर से टक्कर ले लेबा। बाकी सब लोहा सिख संभाल लिए हो। सिपाही बना देशद्रोही। दिनेश यादव नाम का एक सिपाही जिसकी हरकतों पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शर्मिंदा है। दरअसल कल हथियारों से भरा एक ट्रक पुलिस के हाथों लग गया। पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि यादव पुलिस में भर्ती ही इसलिए हुआ था कि अपने देशद्रोही साथियों की मदद कर सके। भैया ये सब क्या हो रहा है? कहाँ क्या हो रहा है? सब मिलकर यादव को फंसा रहे हैं, ये सब झूठ है, यादव ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मिनट, तो और कहे का मतलब? ये जौन कुछ और बा नाटक है? हाँ भैया ये सब बिल्कुल नाटक ही है, यहाँ हम में से कौन नहीं जानता कि बब्बर कैसा आदमी है, सब मिलकर उसे फंसा रहे हैं। भैया भैया प्लीज कुछ कीजिए। अम्रपाली अभी तो इतना बड़ना भाई लू कि अपने बड़े भाई के काम में दखल दा, और इस सब तो हर काम लिखे कि का सही और का गलत, जाके अपन काम करा जाए जैसे। गलत तो गलत ही है भैया, एक सीधे साधे आदमी को आप लोग ने आतंकवादी बना दिया। अम्रपाली यादव शेर के पिछवाड़े उंगली करे चल रहे, वो भी बब्बर शेर के, अब देशद्रोह के जुर्म में सड़बे जेल के अंदर। बिना सोचे समझे आग में कूदने का नतीजा देख लिए, जोश में होश खोना बुद्धिमानी नहीं है, अब सड़ो। सर इसके चक्कर में हमारी वर्दी भी जाती, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। हम तैयार हैं सर इसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए। द्वार प्रमोशन पक्का देव, कल 12 बजे कोर्ट में पेश होते ही तो हर जिंदगी का 12 बज जाए यादव। यादव गलत नहीं है, क्या गलत किया? हाँ गलत आदमी को पकड़ा और हमारे उसने उसको फंसा दिया, देशद्रोह में छट्टा कहेगा। यादव कटेगा सबको, कटेगा सबको। आप दारू पीकर एसपी को गाली क्यों दे रहे हैं? ना छट्टा है, हाँ पैसा घुसखोरी लेके एसपी बन गया, हम लोगों कहते चोरी करो, नल्ला पागल छोटा। तो क्या आप अपने दरोगा साहब से भी नहीं डरते? हमारा दरोगा साहब देखो वहाँ बैठा है, दुर्गा प्रसाद शुक्ल साहब हमारा साथ है, थोड़ा बच्चा बोले करो, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, हाँ हम कर रहे हैं, हाँ हम डर नहीं है, सब सही कर रहा है, जो यादव कर रहा है सही कर रहा है एकदम। आपको सस्पेंड कर देंगे तो कर दे, घंटे से कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? मैं डरता हूँ क्या? वर्दी चली जाए चली जाए, प्रधान का चुनाव लड़ूंगा, पीडीसी बन जाऊंगा, हाँ ईमानदारी से काम करूंगा, मैं डरता नहीं हूँ, जाओ दिया मसाला तुम लोगों को टीवी में दिखाओ, अखबार में छापो एसपी छट्टा, एक नंबर का छट्टा, जाओ तुम लोगों को मसाला दिया दिखाओ टीवी में।
का हो यादव, अबे तक अकड़ गईल ना तोर? हाँ बोले रहनी, ईमानदारी के चक्कर में मत पड़। ए हवलदार, बनाओ सुरती जरा। आ यादव को भी खिलाओ। हाँ यानी जल्दी कर भैया, का मसल रहा है बे? बराबर मसल, जैसे सुरती मसल रहा है ना, इसको भी मसलना है अभी, समझ गया? अच्छी चुप। अच्छी। अरे अच्छी अच्छी। लाओ भैया। चल गाड़ी चला, चल। हेलो सर, यादव फरार हो गया। फरार हो गया? क्या बकवास है लोहा सिंह? सही कह रहे हैं सर, देव सिंह ने गद्दारी की है। सर जाते जाते वो सरकारी असला भी लूट ले गए। एक मुजरिम पुलिस कस्टडी से फरार हो गया और तुम क्या कर रहे थे? चप्पे चप्पे पे नजर रखो, किसी भी कीमत पर यादव की गिरफ्तारी चाहिए। चल फोन रखो। जा रे। अरे दिकार बात तोहनी की जिंदगी पर। एगो पता नहीं से सिपाही तोरा पूरा पुलिस फोर्स के धोखा देके चल गई और तोहनी के हाथ में हाथ रख के बजल बरसौन। बबर से बात सुनो मर पहले। हमरे सबर का इम्तिहान मत ले एसपी नाता, आदमी हम जानवर नियर काटी ले। जितना जल्दी हो सके ओके पकड़, पकड़ ओके। अरे खुलवा तो बहुत जरूरी है, प्लीज। क्या बात हो? अरे साहब बहुत जरूरी है, तनी एसपी साहब से मिलवा दा। बोल दे ली ना, एसपी साहब नहीं क्या मिली हन, तारा सस्पेंड करे पड़े ना। अरे सस्पेंड तो कहले हम, लेकिन एक बार मिलल बहुत जरूरी है, प्लीज। ना ना जा तू जा। ए साहब ए चला आता ए मिठाई भैया, तनी कुछ करवा दे। ना ना कुछ ना होई। जय भगवान। आवा 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 तो है, लोगों ने कमी और रहा। बतासा जी, सुनने में आया कि एसपी साहब आपको सस्पेंड कर दिए। ना ना हमारा आरती उतारत रहा ना, सस्पेंड ना करिए तो का पर मुद्र कर दिए। हे महाराज ऐसा मैं हम रोनिया कि तोहन लोग रहला जितना बोल ले रहनी कुल तो खा देला टीवी में। आप तो बोल रहे थे मैं किसी से डरता ही नहीं हूं। हे भगवान, तो जब शराब या पी ले लेता ना डराइला, आज शराब उतर जाला तो डराइला गिला। बहुत बेकार आदमी हवा, अब मजो ले था हमार ब्याह शादी उम्र में भाई ना हो। कहाँ जा भैया, भाग जा भाग जा, कमरा सबरा फोड़ दे, भाग जा कहा था, भाग जा भाग हट। हे भगवान का करी दादा, जिन जाए कोई लनिया नौकरिया पिया छोड़ दे। ए सेठ का रे बिरवा खाली गई बा की स्वीटी से हमारे ब्याह के बारे में कुछ सोच बा। मारा ससुर ब्याह करबा, मारा पलटा से मुंह लाल हो जाई। अब्बे ब्याह करिया नहीं, चल गिलास धर सारे चाय पिया, चलन ब्याह करे। आ गई ना भविष्य का दरोगा। कौन दारोगी दरोगा आयल हरे? अरे एसपी के दारू पी के गरिया देले बा और सस्पेंड हो गई बा। आई अभी केतनो कुछ मांगी दी है मत। अरे सरवा पहलो को 2500 बाकी लगे ले बा, दिबे ना केलेस बे दी है मत कुछ। सेठ जय हिंद। अपन जय हिंद अपने लगे रख निकल नहीं से तो। बड़ा गुस्सा में लगातार गुस्सा में ना हो, तने जलेबी खिया दे तब बहुत भूख लागल हो। जलेबी? हां जलेबी खेब। हाँ। 2500 पहले के बाकी बा देबे ना किला आलू जलेबा खाए। अरे तारा जो तनखा मिले वाली है दे दे। अरे अपन तनखा लेके ओहरे रहा, मने सस्पेंड हो गई ना देबा खाए के। तब ले बुढ़ा घोड़ा के घास से ना दी। अरे तो डकैत ना है, दे दे हमारे साथी होते पूछ रहा। अरे हम साथी होते कुछ नहीं की। अरे एकदम फर्जी आदमी बा, पलट गई दारू पिया होत रहनी हो। ना ना देखो तू लोग के ईमानदारी। यादव बहुत भूख लगल हो। अरे निकल ले जा।
पूरे वक्त पे सब साथ छोड़ देला, तू हूँ देला छोड़ कहीं और चल जाए, निकल ले भाग, हट भाग सारे, निकला ना कहली फर्जी आदमी बा। स्वीटी और हमरा के अपन दिलबर के इंतजार बा। आई हाँ ए सिपाही जी, हम अच्छा घर से आई का है बोलावलू हो, बैठा ना। हम तो तोहरे जैसन जवान गबरू मरद ढूंढत रहनी। का इंटरव्यू देला हा? एसपी के तो पूरा फाड़ देला। अरे का फाड़ देली हो, दारू के नशा में कुछ गरिया देनी है। दारू? तू दारू भी पियेला? आई तो के दारू पसंद है का? अरे मायू, अच्छा तो बताओ कि अब का करे के हो? का करे के है? हम ना तोपे फिदा हो गए हैं। आई और ना हमरा के तोह से मोहब्बत हो गई बा। आई हो, भूखे पेट मोहब्बत होला का? तू के संड घूमता नहीं खाए के है ये ना चले भी तक गुप्तवा ना दे ले सो। अच्छा हाँ, बिना पैसा रुपया के मोहब्बत ना होला। बस इतनी सी बात? हाँ मिल जाई के दे। अरे भाई हो, इतना पैसा? Yo. अच्छा सुनो, सबसे पहले अपन ये हुलिया चेंज करा। अच्छा और आज से तोहर एक ही काम बा। हमके प्यार करके। प्यार? पहले कपड़ा खरीदम, फिर बनीवा को पैसा देम, फिर जलेबी खाओ, ठीक बा? अच्छा ठीक बा, ओके बाय बाय। अरे आए? प्यार के करी? अच्छा I love you, madam ji. I love you. यादव, तुम यहाँ? चिंता मत करी मैडम जी, हम यहाँ आपके कोनो नुकसान पहुंचावे नहीं खेल, बस ये जाने खातिर आयल बानी कि आज पूरा दुनिया हमके देशद्रोही साबित करे पे लागल बा। रउआ भी हमके देशद्रोही समझता नहीं? बिल्कुल नहीं यादव, तुम पहले भी मेरे लिए हीरो थे, हो और जीवन भर रहोगे। थैंक यू मैडम जी। यादव, मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा था। हाँ मैडम जी, हम वो जवाब देवे की कोशिश कर ले रहे, लेकिन उकरा पहले ही सब महाभारत हो गई। पर मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया।
मैं बोल रहा हूँ। जैन सर। जैन, लोहा सिंह यादव जितना खतरनाक बब्बर सेठ के लिए है उतना ही हमारे लिए भी है। राइट सर, इस बार छोड़ेंगे नहीं, देखते हैं कितना भागता है। हाँ, पर एक बात का ख्याल रखना कि यादव तुम? सर, यादव आपके घर पे? हाँ। सर, मैं अभी फोर्स लेके आ रहा हूँ। ओके। डरी मत, हमके पता बा, हमरे वर्दी के दागदार बनाव में बब्बर के साथ आपके हाथ है, लेकिन हम आपके माफ कर देने, वो एक खातिर ना कि आप हमार सर हैं, एक खातिर काहे कि आप हमार होखे वाला सार हैं। क्या बकवास है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग एकदम सही है, यही से आपसे विनती करत हूं, लड़ाई में आप हमारे साथ हो जाएं और दुनिया के बता दी कि हम एगो भगोड़ा ना, ईमानदार और मर्द सिपाही हैं। तुम्हें क्या लगता है यादव, तुम एक बार भाग के आ गए क्रांतिकारी हो गए? फोर्स आ रही है, बच नहीं पाओगे। जब तक बब्बर और तोहरा जैसन लोग के असलियत जनता के सामने ना ले आई, तब तक हमके पकड़ल तो दूर, छू भी ना पाएगा। नजर घुमा के देख लो यादव, तुम गिर चुके हो अभी मन्यू की तरह, सरेंडर कर दो नहीं तो मारे जाओगे। जब तक हमार मिशन पूरा ना हो, हमके मारे में यमराज के भी पसीना छूट जाए। एक बात और, एक कलयुग है और कलयुग के अभिमन्यु के ही पता है कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ल जाला। ये क्या बेवकूफी है, पागल हो गए तुम लोग, मारे जाओगे तुम लोग भी इसकी तरह। सर, हम रउआ से कम पढ़ा लिखल जरूर बानी, पर ईमानदारी और बेईमानी में फर्क मालूम बा हमरा के। हम सब यादव के साथ बानी। ए, सब के हुआ बनकन फेंक दा, ना तो साहब का खोपड़िया खोल दे बेचे। रॉन्ग, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, देखो मैं फिर समझा रहा हूँ तुम लोगों को, सब के सब मारे जाओगे। सिपाही रे, सिपाही रे, सिपाही रे। गाड़ी तक छोड़े ना चलवा एसपी साहब। हमके एगो बात नहीं समझ में आउत, मतलब पुलिस फोर्स इतना निकम्मा हो गइल बा कि एगो सिंगल पसली के आदमी पूरा पुलिस फोर्स के चकमा देके निकल गइल, अब पुलिस वाला हाथ पे हाथ धर के बैठे लगेल सर। बब्बर सेठ, बात ये कि हमरे सिपाही ओकरे फेवर में बंदूक लेके खड़ा हो गए ना हमरे खिलाफ, अब समझ में नहीं क्या अचानक धोखा हो गई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कहीं तू लोग बिरादरी बिरादरी तो नहीं खेलत? अरे ए, ना, 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 ना। अगर तू लोगों से नहीं खेन हो तो हमसे बता दे, हम अपने आदमी के काम पे लगा दें, और अगर हमारा आदमी काम पे लग जी है तो शहर में हुई कत्लेआम और शहर के लॉ एंड ऑर्डर लग जाए दखिन। बब्बर सेठ, हमार बात सुना, ऐसा कुछ करे का जरूरत नहीं खे, जगह जगह नाकेबंदी कर दिया गई बा, पुलिस चप्पा चप्पा पर तैनात बा, यादव बच के भाग न पाई। देखा, अगर कानून व्यवस्था के कुछ हुई तो हमारे मंत्री पद पर आ जाए, हमारे पर आ जाए का मतलब आप पर आ जाए, ऐसा कुछ मत करे एसपी साहब, बताए ना। बस एक और मौका, एक और मौका थे, या तो जिंदा या मुर्दा आपके सामने हुई। ठीक बा, आखिरी मौका, आखिरी मौका गवैले लग तो करे बाद मिली सजा, और बब्बर सेठ के सजा का मतलब मौत। यादव, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, मैं नहीं चाहता था कि तुम कोई गलत कदम उठाओ। यादव, समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रहा हूं? भाई कब है यहां, कहां बैठे ली, कहां मैं समझ भैया? फौजी मीना, हे माई का बोलना,
कहाँ बा सब लोग? का खत्म हो गई? सब खत्म हो गई। का भाईजान, ई का करत हुआ? तोरा के तो दोजक में भी जगह ना मिली, एकरा के कुमारे मार देवा। मर मत तो के पता बा, तू दुनिया का पहला हसीना होके पे जी मरत मरत भी जवानी का मजा चख के मरबे। पूरा परिवार कलास दिख खातिर हम 9 महीना कोख में ना पले रली बेटा। अब जिया देगो सिपाही नियन और मुरिया देगो सिपाही नियन। हाँ पापी इनमें से
एक भी पापी जिंदा बची तेरे मतारी की आत्मा के शांति ना मिली। क्यों ना बची भाई, क्यों ना बची, क्यों ना बची बेटा, क्यों ना बची भाई। लड़ाई में और मौत भी हो जाए तो मतारी के तन को तकलीफ ना हो, छोड़ छोड़ हम मत ना छोड़, ना छोड़ माई, ना छोड़, क्यों ना छोड़ माई, माई ना छोड़ माई, ना छोड़ माई, माई 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 सब छोड़ के चल गए, तू छोड़ के बच जा भाई, तू छोड़ के बच जा भाई, बच जा भाई। वर्दी के फर्ज निभावे खातिर हमार पूरा परिवार के आहुति चढ़ गई। अब अंजाम चाहे जौन भी होके वर्दी पहनत समय जौन शपथ ले ले रहनी। अपने वर्दी और कानून की रक्षा के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। अपने शपथ के आखिरी सांस तक निभाई। आहुति सिर्फ तोहरे परिवार के ना, आहुति पूरे सिपाही समाज के परिवार के रहे। जब पुलिस ही पुलिस के दुश्मन हो गई तो गुंडन और बदमाशन के कौन दोस्त दिहल जाए। शासन और प्रशासन मिलके हमने के खत्म कर दी, हमने का कर पाई मर्दे, तहरा ऊपर भी देशद्रोह के कलंक लगा दिले बा सरवा। वही कलंक के मिटावे खातिर लड़े के बा, वो कलंक के मिटावे खातिर ई मिशन के पूरा करे के पड़ी। और ए मिशन के टारगेट बा बब्बर के असलियत समाज के सामने लियावल और वर्दी के बेगुनाही। बिल्कुल, इस लड़ाई में हम लोग तुम्हारे साथ हैं। पर साथ देवे से पहले एक बार और सोच लो, काहे के हमनी जौन रास्ता पे निकलल बानी जा जान कभी भी जा सकेले। जान तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन अली ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। वर्दी के सम्मान खातिर मरल जरूरी बा, हमहू मरे खातिर तैयार बानी, जान जाए तो जाए। बिल्कुल, लेकिन यादव हमारा एक सिपाही लोहा के हाथ लग गया है। मिशन के पहला टारगेट हुई लोहा से। हमके पता तो यादव के बारे में जाने ले ना साहब, हमके कुछ पता नहीं। बोल ससुराऊ कहाँ मिली ना साहब, हमके ना मालूम। बता दे ना तो तोरा के ना साहब, हमके कुछ मार पता ना। मार के तोर चटनी बना दे ना साहब, हमके कुछ पता ना। नहीं के पता तोरा के ना साहब, हमके कुछ बहुत पता ना। हम सच कहता नहीं साहब, हमके कुछ पता बहुत मार थी मेरे ना साहब, ना साहब हमके कुछ पता ना साहब। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह का देखत बाड़े, जोर जाके दारू ले आओ। जी सर। अरे बाप रे,
यादव सर, तुमके कुछ ना पता सर। यादव का? यादव जी सर, सर सर ऐसे रहे। ससुरा दारू हम पी ले बानी और नशा तो रहो। सिपाही रे सिपाही रे ही क्या होता। तू हमरा के खोजत रे और हम तोरा के। यादव हमरा का माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई। कैसे माफ कर दी? आज एगो सच्चा सिपाही कानून तोड़े पे मजबूर हो गए। का गलती के लिए रनिया? माफ कर दे यादव। बता का कसूर रहे हमार? ईमानदारी से ड्यूटी के लिए रन, ये कसूर रहे ना? माफ कर दे यादव। हमारा परिवार के का कसूर रहे? बोल ना, बता। माफ करा, हमारा भाई के काम बोल रहा है, हमारा भौजा के काम बोल रहा है। अमर मासूम भतीजा के का कसूर रहे? हमार बहन के का कसूर रहे? हमार माई के का कसूर रहे? नया मॉडल बुझाता रे। हाँ भैया, कल रात में मंगवाई ली। हाँ ना, तो 8-10 गो अभी मंगवा ले। लेकिन ठीक हो गया, ठीक ले रहा। बब्बर सेठ, 15 अगस्त से पहले तोरा तंग खत्म करके जनता के सामने कुत्ता के मौत ना मर ली तो हमरा नाम के कुत्ता पोस ली है। तेरी मोह की हट। का बब्बर सेठ, कैसन लगल हमार तोहफा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी एक बात याद रखी है, हमार रिटर्न तोहफा तो के बहुत महंगा पड़ी। इतना जल्दी कबा? सब इकट्ठे दे दिए। बहुत जल्दी तोरा के गो और तोहफा दे। तब तक के लिए बाय। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड, काली लाल बत्ती में घूमत तू लोग? और जद हुआ तो उनके छाती पर बैठ के तांडव कर रहा बा। देखा बब्बर सेठ, आप चिंता मत करी, सब व्यवस्था जल्दी ही हो जाए। ए मंत्री, नेता वाला भाषण ना, हमके रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। यादव चाहिए हमके। बची ना, पुलिस वाले के मर रहे बब्बर सेठ। कौवा कौवा का मांस ना खाला। हेलो, हाँ एसपी संजय पांडे, जितना जल्दी हो सके बब्बर सेठ के घर पे पहुंचा फोर्स के साथ। एम्बुलेंस लेके आवा, लोहा सिंह का मर्डर हो गई बा, जल्दी आ फास्ट। हेलो मिस्टर ज्ञानीलाल गुप्ता, हाउ आर यू? अरे
बड़ा लाल पियर पहन के टहरत हुए भाई। उसके ऊपर मत जाओ। सबसे पहले 2500, तुम्हारे 2500 रुपए का उधार। ये बाकी वाला है 500 ज्यादा है, उसमें से 250 तुम दोनों टिप ले लेना। जियो से। और सुनो करी, कहां से इतना पैसा पागल की पैसों दे देला से टीपो देता। नौकरिया फिर से लग गई का? नौकरी नहीं, छोकरी मिल गई है। छोकरी? छोकरी मिल गई है। दरअसल उस दिन जब तुम लोगों ने मुझे डांट कर भगाया, मैं बहुत मायूस था। मैं रोड पकड़ कर जा रहा था। अच्छा। जैसे ही गुप्ता रोड पकड़ कर गुप्ता चौराहे पर पहुंचा, तो मैं टर्न मारा गुप्ता गली में, और गुप्ता गली में गुप्ता निवास के पास एक खूबसूरत लौंडिया ने सीटी मारी। भाई लौंडिया खूबसूरत थी, मैं ऊपर छत पर गया, वो मुझसे लिपट गई। उसने कहा, तुम्हारी खूबसूरती पर, तुम्हारी गबरू जवानी पर मैं मर रही हूँ, तुमसे मोहब्बत करना चाहती हूँ। मैंने भी उससे कहा, तुम फिदा हो गई हो तो मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। हम लोगों ने रोमांस किया, उसने हमें पैसे दिए, और उसने कहा, सिर्फ आओ मुझसे रोमांस करो, तुम्हें पैसे ऐसे ही देती रहूंगी। एक मिनट, पेड़ा कैसे है? 300 रुपया किलो। 500 रुपए पकड़ो, 200 रुपए टिप रख लो, और मुझे 1 किलो पेड़ा दो, मुझे बजरंग बली को चढ़ाना है। अरे तो टिप दे। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, प्लीज जल्दी करो। अरे अंग्रेजी मत झार दे थई, ना तो लगे के उन्हीं आवे। अरे नौकर, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अरे के नौकर बोल, नौकर नौकर नहीं तो क्या मालिक बोलूंगा। गधे, बाल झड़ गए तुम्हारे, पागल कहीं के। हाँ चलो मीठा लाओ, पट 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 पट। दरअसल क्या है कि कल 2 बजे का टाइम मैंने उस लौंडिया को दिया है। लौंडिया ने मुझे 2 बजे अपने घर पर बुलाया है, इसलिए बजरंग बली को प्रसाद चढ़ाकर मैं वहीं जाऊंगा। बाय बाय। ले निकल यहाँ से, निकल। अंग्रेजी बोलता कर कौने ही, छोकरी और लौंडिया के बात करत रहली। सुनला है कौन एड्रेस बतावल से? कौन एड्रेस? गुप्ता चौराहा, गुप्ता रोड, गुप्ता गली, गुप्ता निवास। अरे तुहरे भदेली में चाटता। अरे सर वो है बतासुआ। हाँ टाइम कितना बतैला से? कल 2 बजे। 2 बजे? हाँ। कल 2 बजे सारे के रगड़ल जाए जरूर। अरे बतासुआ कोड दे तो के। का स्वीट हॉट? का भेल स्वीटी, कितना स्वीट से ओट छोड़ के कहाँ लागल बड़ा? ए करे जा, तोरे बदन में जहाँ भी छुईला लागल रसगुल्ला टपक थो। साजी आई तो हर करे जा, धलकाता है तनी तेज का है। आई लगता कि राहु के तू आ गई। राहु के तू? भैया भैया कहाँ जा गले तुहार? अब कहाँ होगी? अब हम घर के कहाँ छुपाई? दरवाजा खोले में इतना टाइम? भैया के रहल? केहू ना भैया? नहीं कोनो मरद के आवाज आवत रहल। मरद? वो तो हम गाना गावत रही। गाना गावत रहलू? मरद के आवाज में गाना गावत रहलू? भैया तू हम पे अपन स्वीटी पे शक करेला? हाँ बिल्कुल। अच्छा तो जा ढूंढ ला के मरद। होगल सब शक दूर? कुछ ना बहिन, करे तू हमार बहिन पे शक करत हुए, गलत गलत इल्जाम लगावत हुए। मेरे प्यारे सिपाही दोस्तों, मेरे साथ जो भी हुआ आप सब उससे अनजान नहीं है। मैं देशद्रोही हूं या सच्चा सिपाही हूं, सच्चाई आप सब जानते हैं। हाँ ये बात अलग है कि कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा, पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो आज मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। माँ, बहन, भाभी, पूरे परिवार के लाश की कल्पना कर सकते हैं? कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने आत्मा से एक बार जरूर पूछिएगा कि इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में आप किसके साथ हैं। अगर आपको लगता है कि मैं देशद्रोही हूं तो मेरा साथ मत दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं एक सच्चा सिपाही हूं तो अपने आत्मा की आवाज जरूर सुनिएगा। जय हिंद। सही कहा था यादव,
अब भैया हमनी के डिपार्टमेंट देत का बा। हमनी के स्थिति सबसे गैल गुजरल बा। अखादी के सामने तक खाकी एकदम अपाहिज हो गई बा। का हो हमनी के यही दिन खातिर वर्दी पहन ले रहनी जा कि अपने अफसर के कुत्ता के खाना खियावल जाए और मंत्री जी के लड़का के स्कूले छोड़े जाए जाओ। पिताजी हमरा स्कूल में सब लड़का हमके सिपाही के लड़का कहके चिढ़ावे ले। तुहू यादव अंकल जैसन कोनो काम करा ताकि हमहू फक्र से कह सकी कि हमार पिताजी सिपाही हवे। हाय रउआली हमरा बेमानी के जेवर ना चाही। का हो का सोचा तड़ा? सोचे के का बा? यादव के साथ देवे के बा। का हो सिपाही जी यादव के वीडियो तो वायरल हो गई बा, रउआ केकर साथ बानी? वैसे दिल से तो यादव के साथ बानी लेकिन नौकरी से मजबूर बानी। रोवा जाए जाए यादव जी के साथ दी। जाए यादव जी जैसन इज्जत कमाई। शूटिंग कर चल अल्लाहन ले गल ना वीडियो। अरे बिना सोचे समझे काम करे का कौन जरूरत रहे हो गल ना मुरादपुरी। अरे ऐसे तो हम परेशान हो गल बानी। एक दिमाग में नहीं काम करता कुल खून के गर्मी कपार पे चढ़ गिल भाई करे। मन करता निकाल के चप्पल मारी जा चप्पल भाई। अब भैया का करी हमारा का पता रहे यादव चुप। अब का करे के बताओ लोग। जेल जाए के पड़ी हैं दोनों जने के जेल जाए के पड़ी और का। ए सुना दहिया के चमड़ावा निकलवा के भूसा भरवा देबो भाई। हां भूसा भरवा दे जानवर काटत रहले ना आदमी कटबा। अब इतना मुश्किल से तुम्हारी इमेज समाज में बनई ले जेल न जेबे तो का करबा है। देख एक बात बता दे हम लोगन के सत्ता बा हम लोग है तब पे तू बचल हुआ हम लोग गईली ना तो चल जेबा। समझाई समझाई आप मंत्री जी सही कहता ने जनता भड़क चुकल बा ध्यान भटकावे खातिर जेल जाए जरूरी है। जब मामला शांत हो जाए रउआ लोग बाहर आ जाए हम संभाल ले रउआ लोग जाए। आओ ये दगुआ हीरो बन के घूमत आतावन। अरे हीरो के जीरो बनाओ में तो हमारे पीएसडी बा एसटीएफ का गठन हो रहा बा। एनकाउंटर में इतना छितरा हुई ना होकर कि पतो न चली कहाँ चल गई। रउआ लोग जाए जेल चल जाए जेल चल जाए इस सुविधा छोड़ के जेल चल जाए। अरे महाराज ये हवेली राउर घर है तो जेल समझ नहीं ससुराल बा और वहाँ सुरक्षा और सुख सुविधा खातिर आपन आदमी जेलर बा ना टेंशन मत ली चल जाए। ठीक बा जेल हम चल जाए लेकिन ज्यादा दिन ना रुकब। अगला जुम्मा के हमरा अम्मी के बरसी है फातिहा तो उनके मजारे भी पढ़ब। इससे पहले वो यादव खत्म होके के जाए। मेरी बात मान जाओ तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। बब्बर और अली दोनों को जेल हो चुकी है अब तो तुम लोग सरेंडर कर दो। मैंने भैया को फोन पर बात करते हुए सुना एसटीएफ और कमांडो वाले आ रहे हैं अगर तुम लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो सब मारे जाओगे। एसटीएफ और कमांडो भी एक सिपाही होते हैं और जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करूंगा कोई मुझे रोक नहीं सकता। आपको क्या लगता है अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे? नहीं मीडिया शासन प्रशासन सब उनके लोग हैं और हमें सरेंडर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। भून देंगे वो लोग हमें। चिंता मत करो मिशन पूरा करने से पहले मरूंगा नहीं। जोन वीडियो के लिए कितना बबाल मचेले बड़ा लोगन यादव कोनो युधिष्ठिर ना बड़न कि जोन कहियन सच कहियन। बब्बर सेठ के और उनके लड़का के जेल भेज दियल गइल बा और वीडियो के जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दियल गइल बा। हां बताएं बताएं आप एसपी साहब। देखिए हमने यादव को सरेंडर करने का पूरा मौका दिया लेकिन वो हमेशा भागता रहा। अब एसटीएफ का गठन हो गया है और यादव को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर पास हो चुका है। रही बात उस वीडियो की तो नेताजी एक ईमानदार जनप्रतिनिधि है और मैं एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर। अभी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि उस भगोड़े मुजरिम की बात मानते हैं या हम जैसे जिम्मेदार लोगों की। एक्सक्यूज मी चल चल। प्रणाम प्रणाम। अरे मालिक का चाक का जवाब बनी है गोलगप्पा। अबे नौकर ठीक से साफ करो गर्दा दिखना नहीं चाहिए। ओके अरे पतली कमरिया हिलावे लपा लपा। अरे मालिक का चाक का जवाब बनी है गोलगप्पा।
बड़ा गाना गावता रे भाई। गाना इसलिए गा रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है। खुशी? यस। कौन सा ऐसा खुशी मिल गई भैया? कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था, तब एक हलकट टाइप राहू और एक चिरकुट टाइप खेतु आ गया। वो दोनों दरवाजा खटखटाने लगे। मैं घबरा गया, मुझे लगा कि आज तुम्हें पकड़ा गया। लेकिन हमारी गर्लफ्रेंड बहुत तेज टाइप निकली। उसने कालीन में लपेट कर एक कोने में मुझको खड़ा कर दिया। वो दोनों राहु केतु पूरे घर में ढूंढते रह गए, हमको पाया नहीं और लौट कर चले आए। और उसके बाद मैंने वही कालीन बिछाया, अपनी गर्लफ्रेंड को लटाया, और फिर क्या 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 हुआ जिसकी तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते हो। ओ माय गॉड, मैं तुम लोगों को एक कहानी को सुना रहा हूँ। एक काम करो, ये पकड़ो 2000 रुपए, मंदिर पर 2000 रुपए के बतासे। क्या बोला मैंने? मंदिर पर 2000 रुपए के बतासे बटवा देना मेरी राहु और केतु की शांति के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड से मुझे कल 2 बजे मिलना है और मुझे उसके लिए लहंगा खरीदना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ भूतनाथ की दुकान पर। ओके माय डार्लिंग, आई एम कमिंग। और मारा हमरा के बुझाइल राहु केतु के बा के सेठ अबहिनो कुछ बिगड़ा लाई बा। तू अपना बहन सूटी के बिया हमरा से कर दो, कहीं बतासवा कुछ ऊपर नीचे कर दहलस ना तो हम अहू बिया नहीं करब। सारे 5 लीटर पेट्रोल के इंतजाम कर, काल जला के बतासवा के राख कर दे राख। ठीक है। भैया चुप। का भेल भैया? तै चुप रह। घर में बहुत बुरी आत्मा घुसल है। अच्छा आत्मा? आज पेट्रोल छिड़क के हवन कराबो के जलाई, पक्का जलाई। भैया ऐसा तो कुछ नहीं बा। बिल्कुल है, बहुत कुछ है। ई का करता? अरे जल्दी जल्दी छिड़क, जल्दी जल्दी छिड़क। नहीं भैया, जल्दी जल्दी छिड़क। तोके समझ में आवत हो कुछ ना समझ में आवत हो? प्यार के भूत चढ़ल है। मालिक माचिस मारी, जलाई जल्दी जलाई। पर्दों लगाई, पर्दों में हाँ पूरा घर में आग लगा दी सेठ जी। गोहू में हाँ हेहू हेहू जलाई सेठ जी जलाई। अरे भैया ओमे, जब कुछ जल के राख हो जाई, आज भूत जल जाई। भैया तोर कुल संपत्ति जल के राख हो जाई। का बुतावा? अरे बुताओ जल्दी बुताओ। पकड़ पकड़ निकालो जल्दी। Yo. हेलो मिस्टर ज्ञानीलाल गुप्ता। अरे सारे कहाँ भूत रे? ऐसा भूत रे? अरे मैं बता सा हूँ बता सा। अरे तू जिंदा कैसे बड़े? आए मुझे मर जाना चाहिए था क्या? कहीं तुम लोग मेरी मौत की साजिश में तो नहीं लगे हो? क्योंकि कल तुम्हारी ही तरह दो गधे राहु केतु घर में आग लगाकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तुम्हें बच गया। मेरी गर्लफ्रेंड खुदा की बनाई हुई नंबर वन पीस है। जब वो दोनों गधे घर में आग लगाए, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे संदूक में बंद कर ताला लगा दिया, और ताला लगाने के बाद चाबी आग में फेंक दिया। अच्छा। हाँ। और इसके बाद जब वो जलने लगा तो फिर लड़की ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने, देखो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जल रही है। दोनों गधे अपनी खोपड़ी पर लाद कर बॉक्स बाहर निकाले और मैं बच गया। मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी होने वाली है, वो आने वाली है। तुम लोग फटाफट 15 किलो मोती चूर के लड्डू पैक करो, हमें मंदिर में शादी करनी है। एक मिनट फोन करता हूँ। डार्लिंग, ओ माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय बेबी, कम ऑन जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा।
ओके ओके भैया स्वीटी मत मारा इनके। ए स्वीटी हाँ? अरे भाई तारी बत्ती जला दे कुछ लौकात नहीं खे। बत्ती बत्ती भुलाए गेल तोहार अंग्रेजी अब सीख गई ला भोजपुरी तू सीख गए नी बाबू अरे मेरी भाई हो ए स्वीटी ए बचा ला हमके मार डरिए कुलो का हाल बना दे ले बा छोड़ दे भैया इनके कहे छोड़ दी अरे का भैया हम इनका बच्चा के माई बने वाला बानी ए भैया ए ज्ञानी गुप्ता भैया हमके जायदा हम जात हैं लुधियाना कोई खेती वेती करब कुल भैया छोड़ दे हमके जायदा कहीं ना जाके मैं ब्याह करके ही जाके पड़ी कहीं का करबा ब्याह करके इतना पेल के मार देले हवा आंख हो गईल हवा अनहर जितना लड़का बच्चा पैदा हुए सारे कुल अनहर पैदा हुए हैं अब चाहे अनहर पैदा हो चाहे ढेबर पैदा हो अच्छा तोके तो ब्याह करही के पड़ी ससुर हमार का होई तू मामा बन गया सारे मामा चुप भाई कई लेकिन आगल बाड़ी काल उन्हन के दुबई भेजे के बा एक लड़की तक कमाले बिया कैसे हूँ वहाँ से निकले के व्यवस्था करा रात रंगीन हो जाए भाई चल चल रख ठीक बा हम बताओ तनी आई आई भाई भाईजन चार घंटा खाते जेल से बाहर निकल कर व्यवस्था करी ना पगला गल बड़े कुछ ऊपर नीचे हो गए तो सारा प्लान गड़बड़ा जाए भाईजन भाईजन प्लीज सिर्फ चार घंटा खातिर चार घंटा बाद हम खुद वापस आ जाए कुछ ना हुई भाईजन जेल में मन एकदम औजी आ गए बा प्लीज भाई ना मन बे अच्छा ठीक बजो लेकिन जल्दी आ जाइए ठीक बा भाईजन ठीक बा ए जेलर हमार भाई चार घंटा खातिर बाहर जाए व्यवस्था करा अरे जैसन राव रिक्शा सेठ जी चला ली बाबू जो भाईजन खुदा हाफिज खुदा हाफिज ध्यान से जाइए तू कल चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा तू याद बहुत आएगी तो मैं दुबई चलाऊंगा भाईजान आवतनी तुम जाओ उधर जाओ शू शू करने हमारा भतीजा के पानी में डूबेले रह लेना थे आज तोरा के तोरे मौत में डुबाए ताकि तोर आत्मा घिना के तोर शरीर छोड़ दे वाओ ब्यूटीफुल जान मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाऊंगा सिपाही रे सिपाही रे सत्त में बचाते
मरिए मत, मरे से पहले तोरा के नपुंसक बनाई ताकि गलती से भी धरती पे दोबारा जन्म लेबे तो नपुंसक बन के पैदा होबे। सिपाही रे, सिपाही रे, मरिए मत, मरिए मत, सिपाही रे, मरिए मत। तानी मार मत, मार मत, सेट पर का जरूरत रहे अली की जेल से बाहर भेजला के? कौनो काम करे से पहले एक बार पूछ तो ले होती। अरे जवाब दे तो मुश्किल होता, कैदी जेल से बाहर गई कैसे? अरे मार बात सुना तब ना, अबे भाई को गोली मार दे रे। वही दिन तो पागल रही थी, लेकिन तू रोक ले लो के बबर से देखा वीडियो बहुत वायरल हो चुकल बा, अब वो जनता की नजर में हीरो बन गई बा। अरे सिपाहियों की नजर में तो पहले से हीरो रहल। हमरा से तो मीडिया के सामने जवाब देते नहीं खे बनाता, लगा था कि सत्ता भी हाथ से चल जाई। सत्ता चल जाई, सत्ता चल जाई, हमार जिगर से प्यारा भाई चल गई तो के सत्ता के लगल बा। ए कान खोल के सुन ले तू लोग, अगर जरूरत से पहले वो युद्ध हुआ ना ठोकाइल तो तू लोग तोड़ के फेंक दे। हाँ बोल, रउआ से कुछ बात करके रहा। हाँ बोल। एसपी के बहिन से यादव के चक्कर हा। करे गद्दार, नमोखा रोम, तोरे बहिन का चक्कर बाऊ यादव से, और तू हमें आज तक न बतोले। हम खुद शर्म से डूब गए बानी, यादव के खून से हमारी इज्जत वापस आई। अरे एक नंबर के बिकू बाड़ू तू, एक नंबर के बिकू। ये बात पहले ही बता दिले होते, ये कुल करे का नुबते नाइट। एक काम कर, जो जो जाके अपना बहन से कहो कि तू ऐसे ब्याह करे खाते तैयार बढ़े, वो खुशी के मारे उजड़ जाए और उजड़ ठोका जाए। अरे लेकिन साथ में हमार बहन भी तो रहे, वो मर जाए। अरे बेवकूफ, बहन पहले निकली और बाद में ठुकाई। जो जितना एक्टिंग करे बैठ चुका मंत्री। हाँ। सुनो, अगर बहन जाए उसे मिले, हमारे 100 गो हथियार बंद आने पुलिस बन के जाइए है, पुलिस पर भरोसा नहीं किया हमके, वो जैसे निकले ठोक दोग। और एसपी की बहन का क्या हुई? कुर्बानी खाली हमार भाई हुए दी। सर बस जेल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता। मिल जाएगा यादव। का बात बा, बहुत खुश लगा तरु। बात ही इतनी खुशी की है, भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं।
तोरे भैया पे कैसे भरोसा करें? कर लो भरोसा, भैया ने तो ये तक कहा है कि वो कोर्ट में तुम्हारी तरफ से बयान दे। रामदीप, राजेश, रामदीप, राजेश। चारों तरफ से घेर लो। पुलिस, पुलिस ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। तुहार भैया धोखा दे दे रहे, अब लगातार मिशन पूरा ना हुई। मिशन पूरा होगा, मिशन पूरा होगा यादव, तुम चिंता मत करो। मैं इनको सामने से चकमा देता हूं, तुम लोग पीछे से निकल जाओ। अरे सर, ये तो मौत के मुंह में कूदना होगा। आप कूदना पड़े या कुछ भी करना पड़े, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं हमारे पास। चलो चलो आ जाओ। लड़े के बाटे धर्म युद्ध कर विशाल गर्जना, मिटी भले ही जिंदगी मिटी का बोझ फर्ज ना। लड़े के बाटे धर्म युद्ध कर विशाल गर्जना, मिटी भले ही जिंदगी मिटी का बोझ फर्ज ना। देश प्रेम देखना ही अपना पराया, जो भी हम कट्टर सबके कर दे सफाया। पलटू राम जी, सर मेरा गाड़ी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसा करो जी सर, तुम लोग मुझे कवर फायरिंग दो। ओके ओके सर। चलो चलो निकलो। कटारू, पलटू, जय साहब, जय। बब्बर सेठ ने कहा है सबको उड़ा दो। पागल हो गया बब्बर सेठ, चलो चलो। हाथ ऊपर कीजिए एसपी साहब। तुम यहां गाड़ी में? मेरी बहन कहां है यादव? मेरी बहन कहां है? क्या हुआ? बात जब खुद पे आई तो सत्ते में आ गए। मैं अपने मकसद की कामयाबी के लिए किसी लड़की का इस्तेमाल नहीं करूंगा। चिंता मत कीजिए, आपकी बहन सुरक्षित है। अमरपाली, आर यू ओके बेटा? जाइए मैडम जी, इनके साथ गाड़ी में जाइए। नहीं यादव, मैं तुम्हें यहाँ इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती, वो भी इनके साथ। इन्होंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी धोखा दिया। आई डोंट ट्रस्ट यू भैया। मैं कह रहा हूँ गाड़ी में जाइए, बैठिए आप। चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। Oh!
वर्दी गई तो क्या हुआ, जमीर अभी बाकी है। सत्यमेव जयते जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सिपाही रे, सिपाही रे। दुष्ट जन के खेल सब बिगाड़ दे, तीन रंग वाला सर पे जब कफन की मोड़, महारानी के लाल रूपा के मोड़ दे, सामने टिकेला के अमरपाली, नाउ यू कैन ट्रस्ट मी। यादव, गलती तो हुई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई है, और अगर गलती मुझसे हुई है तो इसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। कार एसपी युवा कैसे रे, भौंके आयल बड़े, भौंक भौंक भौंके ना, काटे आयल बनी। सिपाही रे, सिपाही रे। बासी रोटी और गरम खून के नाश्ता हमरा बड़ निक लागेला। कसम खुदा की यादा, तू एजा आके हमार नाश्ता बन गईले। तोरा के नाश्ता नसीब होई कि ना इतने के पता, लेकिन आज कुत्तन के भर पेट भोजन जरूर मिली। Let's
सिपाही का भाई नाश्ता ना कर बे जोन काम तोर लोहा के किल्ला ना कर पैलस इस सिपाही के डंडा कर दी देख आ गई ले देश के कर्णधार अपने ईमान धर्म के तोरा पास गिरवी रख के यहाँ आइल बाणे आजादी के जश्न मनावे एसपी खड़े खड़े क्या देख रहे हो रोको उसे नहीं सर आज यादव को कोई नहीं रोक सकता ये एक सिपाही की लड़ाई है उसे लड़ने दीजिए एसपी तुम अपने फर्ज के साथ गद्दारी कर रहे हो आज पहली बार तो ईमानदारी कर रहा हूँ सर अब तक तो गद्दारी ही की है यू आर सस्पेंडेड कल जाती है आज चली जाए सर नौकरी की किसको परवाह यादव अपने आप को सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे मरता मोई दिन गई लानी जो ना दिनी कुत्ता एगो सिपाही के वर्दी के चूता के नीचे रोते ले रहे देखा देखा यादव सजा दे ले कानून का काम होला आम आदमी के ना कोना कानून के बात करता नहीं आप हा? कोना कानून के बात करता नहीं आप जो ना कानून के आप जैसा नेता मंत्री ए बब्बर जैसा देशद्रोही से मिलके अपना घर के नौकर बना दे ले बा हम विश्वास दिला रहल बानी ई मीडिया के सामने कि तू बब्बर के छोड़ दा और सरेंडर कह दा बब्बर के सजा अदालत में मिली और तोरा बेगुनाही के भी कौना सजा के बात करता नहीं आप हा? कौना सजा के बात करता रहा कौना जेल में रखबा ए जेल में जो ना जेल में ही दारू शराब पिया था वह एयर कंडीशन रूम में तो नहीं लोग के मेहरबानी से सच पूछा बब्बर जैसा देशद्रोहियन खातिर जेल कौन फाइव स्टार होटल से कम ना और तोरा जानकारी खातिर इहो बता देता नहीं कि जेल में हजारों अपराधी ऐसा हमें जो जेल के अंदर से कौनो न कौनो नेता मंत्री खातिर काम करेंगे सैकड़ों अपराधी ऐसा हमें जो जेल में रह के अपन कारोबार चलावे ले और कुछ सम्माननीय अपराधी ऐसा भी हमें जो जेल के अंदर से चुनाव लड़े ले और जीत भी जाले और कुछ पूजनीय अपराधी ऐसा भी हमें जो जेल के अंदर से सरकार चलावे ले सुहार कहे का मतलब देश में कानून नाम के कोनो चीजें नहीं थे अरे देश में प्रजातंत्र हो और नेता ही देश का मार्गदर्शक होला दुर्भाग्य बा हमरे देश के जनता के जो तोनी जैसा नेता के हाथ में देश के बागडोर सौंप लेवा झूठा वादा करके विधायक सांसद बनला के बाद तोनी के टारगेट का होला करोड़ों की गाड़ी 5-10 बंगला ये 5 साल के लक्ष्य होला ना तोनी के जो जनता तोनी के चुन के भेज लेवा कबो बिना सिक्योरिटी के वही जनता के बीच में जाके देखा अगर चमड़ी ना नोच ले तकैया एक बात बतावा प्रदेश एकदम सुरक्षित बा कानून व्यवस्था एकदम सही बा केकरा दम पे बोले ला लो ये पुलिस डिपार्टमेंट के बल पे वही पुलिस डिपार्टमेंट के एगो सिपाही के का तकलीफ बा कबो जाने की कोशिश कई जाब तोनी के तनख्वाह मिलेला लाख रुपया बिना टीडीएस कट ले और हमनी के 20,000 वो टीडीएस काट के सरकारी बस रेलवे सब जगह तोनी लोग के फ्री सेवा तो हर लड़का पढ़ी है कन्वेंट में और हमारा लड़का सरकारी स्कूल तोनी खातिर एगो सिपाही के औकात का सिपाही देश का असली हीरो होता है अच्छा
तेरे को ईमानदार सिपाही से अपने बेटे के ब्याह करवा। कमल चुप कहे हो गए लोग, ओकरा खातिर तो तू लोग आईएसपीसीएस कोनो नेता मंत्री के खानदान ढूंढे ला लोग। अरे सच बात तो यही है कि तोनी लोग के नजर में एगो सिपाही के औकात नौकर से ज्यादा नहीं खे, लेकिन हमनी के वर्दी तोहरा बेटा के स्कूल छोड़े खातिर नहीं खे पहनले। तोहरा घर में पार्टी होई तो वहां मेहमान के स्वागत करे खातिर नहीं खे पहनले। आज आज बताई हम कि एगो सिपाही के औकात का होला। देखा यादव, तोरा से एक गो बिनती बा, तू बब्बर जैसन अपराधी के मार के गुनाह मत कर। आज तई गुनाह करब, करब ही गुनाह, कहे कि अगर आज हम भी गुनाह ना करब तई हरामी पता ना और कितना गुनाह करी, पता ना और कितना परिवार के बर्बाद करी। आज तो हम ही गुनाह कर, कहे कि वो तीन दूर देखे जब एक जैसन कतली देश चलाई है और ही हम ओके ना दे हिंदुस्तान के कतली ना चलाई है। यादव बचपन से सुना था रलवानी कि कानून अपना हाथ में ना लेवे के चाहे, लेकिन आज आज कानून अपना हाथ में ले अपना हाथ में कानून। भारत माता की जय। सिपाही रे सतमेव जयते जयते सतमेव जयते, सिपाही रे सतमेव जयते जयते सतमेव जयते, सिपाही रे बाटे धर्म युद्ध कर विशाल गर्जना, मिटी भले ही जिंदगी मिटी कबोई फर्ज ना। लड़े के बाटे धर्म युद्ध कर विशाल गर्जना, मिटी भले ही जिंदगी मिटी कबोई फर्ज ना। बैन प्रेम देखना ही अपना